तो आज मिसिंग की जो प्रॉब्लम होती है एक मोटरसाइकिल में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड स्पेशली यामा की जो मोटरसाइकिल्स हैं फ्यूल इंजेक्शन वाली, उनमें जो मिसिंग प्रॉब्लम आती है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड उसके क्या क्या वेरियस जो सॉल्यूशंस हैं वो हो सकते हैं उनके बारे में। तो ये एक R15 V3 है, BS4 मॉडल, एंड इसमें मिसिंग से थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब नॉर्मल मिसिंग वो होती है जब बाइक है वो जर्क लेते हुए चलती है, रुक रुक के चलती है, आपको ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम भी जानेंगे एंड उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे एंड और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मिसिंग की प्रॉब्लम के, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात होने वाले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक बेहतरीन लर्निंग अपॉर्चुनिटी की, जो कि है अन अकेडमी का कोर इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं ताकि आप रेलिवेंट कोर इंजीनियरिंग कंपनीज में जॉब क्रैक कर सकें। एंड उसी के साथ अन अकेडमी एक स्पेशल फ्री क्लास लेकर के आ रहा है जो कि सैटरडे को कंडक्ट करी जाएगी, जिसमें कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स में से कोई एक पर्सन आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप कोर इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं या फिर कैसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कौन सी ऐसी रेलिवेंट स्किल्स हैं जो कि आपके जो करियर की ग्रोथ है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। और जो स्पेशल पर्सन इस क्लास को अटेंड करेंगे वो किसी भी रिनोन कंपनी से हो सकते हैं, जैसे कि टाटा, टेस्ला, यामाहा या फिर मर्सिडीज बेंज। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके गेस करिए कि वो स्पेशल पर्सन कौन हो सकते हैं एंड जो फ्री क्लास है उसको जरूर से अटेंड करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ अन अकेडमी का जो कोर इंजीनियरिंग का कोर्स है उसको भी चेकआउट करना एंड अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं देन JEET001 ये कूपन कोड यूज़ करना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अभी बैक टू द वीडियो। ओके, सो इसको स्टार्ट करके सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो दिखाता हूँ। तो इग्निशन ऑन एंड अभी बस इसका जो स्टार्टिंग है वो हो जाए। अभी इसमें आप देख सकते हैं जो चेक इंजन लाइट है वो ऑन है, वो खैर बाइक जब आप जब तक इंजन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ऑन रहेगी, बट उसके पास में जो 42 दिख रहा है ये किलोमीटर नहीं है, ये कोड है, ये कोड 42 है। बट कोड 42 ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके अलावा जो कोड आ रहा है वो ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ है। तो अभी इसको स्टार्ट करता हूँ मैं एंड देखा ही होगा कैसे मरी मरी स्टार्ट हो रही है ये, बट नंदलेस अभी जैसे ही आप इसमें थ्रोटल दोगे तो अभी आपने देखा कि एकदम सही जा रही है। अभी थोड़ी देर में देखना, टोटल पूरा है, बट ये देखो क्या हो रहा है, और ये बंद हो गया और ये आ गया कोड 16, कोड 42 और कोड 16। तो कोड 16 है वो ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज है। ऑलराइट, सो अब कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो इतनी बड़े लेवल की मिसिंग होगी उसमें आपको एज यू कैन सी कोड है वो दिख जाएगा, तो उसकी तो इस वीडियो में आगे बात होने वाली है। बट अभी शुरू में बताता हूँ नॉर्मल मिसिंग की। नॉर्मल मिसिंग कैसे होती है, जैसे आपने पुरानी कार्बोरेटर वाली बाइक चलाई है तो वो जब रिजर्व में आती है ना तब वो जैसे झटके लेकर के चलने लग जाती है, वैसा अगर इस बाइक में हो तो 90%+ मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्वोट मत करना इस चीज़ पे मेरे को, बट 90%+ चांसेस यही है कि उसका जो फ्यूल पंप है उसमें कचरा आ गया है। ऑल यू हैव टू डू इज पेट्रोल टैंक है उसको साफ करा लीजिए एंड जो फ्यूल पंप है उसको साफ करा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। वो कैसे करना है वो फ्यूचर में दूसरी जो अपने पास V3 है उसमें करके बता दूंगा, तो वो चीज़ टेंशन लेने की नहीं है। बस आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज वो वीडियो जब आएगी तो बता के नहीं आएगी, ये चीज है। उसके अलावा अभी बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। तो अगर इंटेंस प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी कोड 42 आ रहा है, कोड 16 आ रहा है, आपको स्कैनर की जरूरत नहीं है। R15 का मेरा सबसे बढ़िया मेरे को यही काम लगता है, वर्जन 1 हो चाहे वर्जन 2 हो उनमें लाइट फ्लैश करके आपको कोड बताती थी, V3 में और भी बढ़िया कर दिया है, डिस्प्ले पे डायरेक्ट कोड ही आ जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज गूगल करिए, आपको कोड 42 का रीजन भी मिल जाएगा, कोड 16 का रीजन भी मिल जाएगा। बट अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करेंगे एंड इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले वो सारी चीज करने से पहले इसकी जो फेयरिंग है, जितनी जितनी चीजें मेरे को जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसका मैं फ्यूल टैंक भी क्लीन करने वाला हूँ, फ्यूल पंप भी क्लीन करने वाला हूँ
और यू नो आरआर यूनिट भी इसकी चेक करनी पड़ेगी, टीपीएस भी चेक करना पड़ेगा एंड इसकी जो वायरिंग है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो उन सब के लिए इसके जितने भी पैनल्स निकलने हैं सबसे पहले मैं वो निकाल लेता हूं एंड उसके बाद जो अपनी डायग्नोसिस की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। सारे जो पैनल्स हैं उनको रिमूव कर दिया है एंड अभी एक काफी सरप्राइजिंग बात हुई है, तो वो क्या चीज है एंड आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और सबसे पहले आप वही चीज ट्राई करें तो वो बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जो V3 है उसमें RR यूनिट यहां पर आती है, V2 में आगे आती थी जो विंडशील्ड है उसके पास में, बट इसमें यहां पर है। तो मैंने क्या करा, जस्ट चेक करने के लिए इसका जो ये सॉकेट है इसको निकाला था एंड फिर इसको वापस लगाया, बस इतना ही करा था और कुछ नहीं करा था। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो कोड 16 के लिए जो TPS है उसका जो सॉकेट है मैंने उसको डिस्कनेक्ट करा था। बेसिकली इसको यहाँ से मैंने अनप्लग कर दिया एंड पीछे की साइड पुल आउट कर लिया, उसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसको फिर से लगा दिया, दैट्स इट। एंड इतना सा करने के बाद टू माई सरप्राइज जो कोड था वो चला गया था एंड अभी देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी जो मेलफंक्शन लाइट है अभी वो भी नहीं दिख रही है, वैसे जो BS6 मॉडल्स हैं उनमें ये जली हुई रहती है काफ़ी टाइम मैंने देखा है, तो इसका अपना ही माइंड है। बट एज यू कैन सी जो कोड है वो जा चुका है, इसमें जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आती हैं वही आ रखी हैं, बट अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ओके बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो FI वाली प्रॉब्लम है वो नहीं गई है अभी, देखो मिसिंग अभी भी करेगी है। ये आप देख रहे हो ना RPM ड्रॉप हो रहे हैं, मैक्सिमम थ्रॉटल पर है अभी है, as you can see। तो अभी सीन क्या हो रहा है कि जो कोड 16 एंड कोड 42 थे वो तो पता नहीं कैसे बट RR यूनिट को और TPS को आपने अनप्लग करके प्लग करा उसी में चले गए, एंड जो बंद होने वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो मेरे हिसाब से जो कोड 16 है उसकी वजह से आ रही थी, तो TPS को निकाल के वापस लगाया उससे वो सॉर्टेड हो गई। बट अभी जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू हो रही है एंड ये बहुत भयंकर वाली मिसिंग कर रही है। इस लेवल की मिसिंग फ्यूल पंप है उसमें कचरा आने की वजह से नहीं हो सकती है, वेल आई एम नॉट श्योर बट मैं बता रहा हूँ उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला ये कि जब कचरा आता है तो बाइक कभी कभार कैजुअली मिस करेगी, ऐसे इतनी गंदे तरीके से मिस फायरिंग नहीं होगी। रीजन नंबर टू, इस बाइक की हिस्ट्री मेरे को पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस बाइक की सर्विसिंग मैं ही करता हूं, तो लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप श्योर हैं उस चीज के लिए, लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप वो जो पुरानी शॉर्ट वीडियो है चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ दिन पहले, आई थिंक 15 या 20 दिन या फिर एक महीने पहले, इसका जो फ्यूल पंप है उसका मैंने क्लीन करा था एंड उसके बाद में इसकी जो नॉर्मल मिसिंग थी वो चली गई थी, बट अभी महीने के बाद में इसमें फिर से मिसिंग आ रही है और वो जरूरत से ज्यादा है, विच मीन्स कि इसमें इतनी जल्दी कचरा नहीं आ सकता है एंड दैट इज द रीजन कि मैं इसका जो फ्यूल पंप है उसी को जो कल्प्रित है वो मान रहा हूं। बट फॉर एन इंस्टेंस, फॉर एन एग्जाम्पल, ये समझते हैं कि मिसिंग वो क्यों आती है, सिर्फ दो रीजंस हैं, तीसरा रीजन नहीं होगा उसका मोस्ट ऑफ द केसेस में। पहला फ्यूल का, अगर फ्यूल तरीके से नहीं जाएगा तो मिस फायर करेगी गाड़ी। दूसरा स्पार्क का, अगर करंट तरीके से जनरेट नहीं होगा, करंट प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, करंट बीच बीच में कटेगा तो मिस फायरिंग होगी। अब एयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हवा नहीं मिलेगी बाइक को तो या तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी या फिर बाइक का दम घुटने लगेगा, मतलब बाइक की जो पावर है वो आपको कम लगेगी, मिसिंग नहीं करेगी बाइक। तो इसलिए मेन दो रीजंस हैं, स्पार्क एंड फ्यूल। अभी यामा की बाइक्स में ज्यादातर क्या होता है कि अगर जो स्पार्क सिस्टम है, जो इग्निशन सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम होगी, मतलब CPS में प्रॉब्लम होगी, कॉइल में प्रॉब्लम होगी, RR यूनिट में प्रॉब्लम होगी, वायरिंग में कहीं पे इशू होगा, तो ज्यादातर केसेस में, सब केसेस में नहीं बट ज्यादातर केसेस में, जो आपका ये जो मैलफंक्शन का जो कोड आता है वो किसी न किसी चीज का आने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल RR यूनिट का आ सकता है, CPS का आ सकता है, या फिर किसी और सेंसर का आ जाएगा, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम होता दिखेगा तो उसका आ जाएगा। तो मोस्टली यही होता है कि वो आपको पता चल जाएगा अगर करंट जो पूरा इग्निशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होगी तो, बट अगर पता नहीं चले तो फिर वही बात है कि ये तो 100 में से 1 चांसेस वाली बात हो गई। उसमें आपको फिर फर्दर डायग्नोस करना पड़ेगा, आपको स्पार्क प्लग चेक करना पड़ेगा, ये जो कॉइल है इसके दो एक जो कनेक्शन है इनको चेक करना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत इधर उधर और भी चीजें चेक करनी पड़ सकती हैं। बट इस केस में मैं श्योर इसलिए हूं क्योंकि मुझे इसकी हिस्ट्री पता है। तो इसमें फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, अब इसका जो फ्यूल टैंक है उसको हटाते हैं, फ्यूल पंप को निकालते हैं एंड देखते हैं कि पूरा फ्यूल पंप डैमेज है या उसमें सिर्फ कचरे की ही प्रॉब्लम है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। ऑलराइट, सो जो फ्यूल पंप है उसकी प्लेट को हटा करके इसको निकालते हैं एंड अभी ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि इसकी अलग से सेपरेट इन डेप्थ वीडियो आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये रहा अपना फ्यूल पंप,
तो इसको मेरा पहले से साफ करा हुआ है एंड एज यू कैन सी इसकी जो कंडीशन है उसी से आप पता लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कचरा वगैरह कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो वैसे तो प्रॉपर तरीका यही है कि आपके पास फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो होता है टेस्ट करने के लिए वो होना चाहिए, उसको आप जो लाइन है उसमें फीड करिए एंड जो फ्यूल पंप का प्रेशर है वो चेक करिए। अगर प्रेशर एक नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है उससे कम आता है देन सीधी सी बात है आपको इसको चेंज करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी हमारे पास वो नहीं है, इसलिए मैं जो मेरे इंस्टिंक्ट हैं उनके बेसिस पर जो फ्यूल पंप है उसको चेंज कर रहा हूँ। अब करने को मैं इसकी मोटर है उसको भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके जो कस्टमर है उन्होंने साफ साफ बोला है कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और उनको जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं उन्हीं पर भरोसा है, तो सीधी सी बात है अब इसमें यामा का जो ओरिजिनल पंप है उसी के साथ इसको रिप्लेस करते हैं एंड देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है ये ठीक हुई है या नहीं। ऑलराइट, सो जो रिप्लेसमेंट फ्यूल पंप है उसको आने में लगेगा थोड़ा टाइम एंड तब तक के लिए अपनी जो V2 है उसका फ्यूल टैंक लगा करके मैं आपको उसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो चली गई है या फिर फर्दर डायग्नोसिस की जरूरत है। एंड डोंट वरी गाइज, BS4 जो V3 है उसका और जो V2 है उसका जो फ्यूल पंप है वो सिमिलर है, तो बाइक को कोई भी टाइप का डैमेज नहीं होगा और ना ही अपने फ्यूल पंप को डैमेज होगा। तो अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं। ऑलराइट, सो स्टार्ट तो पहले भी होती थी, खैर एक बार थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है उसके बाद इसको रेव करेंगे। तो इसका एक तो स्पीड सेंसर पागल हो रखा था, वो खैर कई कई बार कर देता है, एंड दूसरी चीज आपने फ्यूल लेवल वाला इंडिकेटर देखा होगा वो ब्लिंक कर रहा था, वो इसलिए बिकॉज हमने जो फ्यूल लेवल वाला जो सॉकेट होता है वो कनेक्ट नहीं किया था, खाली इसको स्टार्ट करने के लिए अभी लगाया था। तो एज यू कैन सी फ्यूल पंप को रिप्लेस करते ही जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो रही है एंड जो सेंसर्स वगैरह का जो इशू आ रहा था वो पहले ही मैंने बताया कि सॉकेट्स को निकाल करके फिर से लगाया था तब सॉर्ट हो गया था। एंड वैसे आप जब सॉकेट्स को निकालें तब उनमें थोड़ा WD-40 या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर या फिर इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए जो स्प्रेज आते हैं उनको यूज कर लेना ताकि जो कनेक्शन है उनका वो प्रॉपरली हो सके, और अगर वो कोड निकालने और लगाने से नहीं जाते हैं देन इसका मतलब ये है कि फिर आपको फर्दर डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो कोड 42 का मतलब तो व्हीकल स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम होती है तब आता है जनरली, एंड जो कोड 16 है वो बहुत सारी चीजों के लिए रिप्रेजेंट करता है। बट हाँ, TPS में दिक्कत होगी तो आएगा सबसे पहले, तो उसके अलावा वायरिंग में कहीं भी सर्किट शॉर्ट होगा या ओपन सर्किट होगा तो आएगा, या फिर ECU में प्रॉब्लम होती है तब भी आ जाता है। तो इस बाइक की जो प्रॉब्लम थी वो उन सारी चीजों से नहीं थी, वो तो खाली लूज हो गए थे कनेक्शंस उसकी वजह से आ रखा था कोड वगैरह, तो बट जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो थी फ्यूल पंप की वजह से जिसको हमने फिक्स कर दिया है। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही था एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि अब आप डिटेल वीडियो नहीं बना रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मैं अभी डायग्नोसिस है उस पर फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये कस्टमर की बाइक है एंड इस पर मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग जल्दी से काम करके कस्टमर को बाइक हैंड ओवर करने की कोशिश करते हैं एंड जो हमारी खुद की बाइक्स हैं उन पर जो ट्यूटोरियल वीडियोज हैं वो मैं बनाता रहता हूँ। तो जैसे कि मैंने फ्यूल पंप निकाला नहीं दिखाया बिकॉज उसकी अलग से डिटेल वीडियो आएगी, बिकॉज अपने पास R15 है तो फिर उस पर वीडियो बनाएंगे ना यार डिटेल में, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जो भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वीडियोस आने वाली हैं उनके लिए स्टे ट्यून रहना है, तो सब्सक्राइब करके रखो एंड थोड़ा हमें भी लाइक कमेंट शेयर कर दो यार। चलो बाय।